बस को बाहर निकाला जा रहा है, इस कारण से रोड जाम हो गया है। काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है, और जैसा कि मैं बता दूं कल ही यह बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी संतोष पुल के पास। पूरा अलौली के शिक्षक गण को ही नहीं, आम जनता को भी परेशानी है, ठीक है। और जैसा कि मैं देख रहा हूं पैदल कुछ आदमी आर पार हो रहे हैं, उधर भी दिखा दीजिए नदी पार, रास्ता नहीं है। और विकल्प के तौर पर देखिए,
गड्ढा को पार करके आदमी भर रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर के उधर, क्योंकि विद्यालय जाने का समय हो चुका है, ऑफिस जाने का समय हो चुका है और ऑनलाइन हाजिरी बनती है, और ऐसा बहुत कम ही आदमी कर सकते हैं, जान जोखिम में डाल करके अपनी गाड़ी को गड्ढा से पार कर सकते हैं। ग्रान यहाँ भिरा हुआ है खींचने के लिए। और ड्राइवर को देखिए स्टीयरिंग घुमाने पर लगे हुए हैं। एक बार जो राजमाइस अब वो करे थे गड्ढा से ऊपर आ चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ड्राइवर के हिम्मत की दाद देनी होगी। एक बार आना कर ले ओकरा लोड दे चल 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 चल
गुटका लगे हो नहीं है ना गुटका नहीं लगे और गड्ढे से बाहर बस सड़क पर आ चुका है। कहाँ पर बस था? वो नीचा गड्ढा में वहाँ पर था, वहाँ पर बीच में। कल इसी टाइम करीब एक्सीडेंट हुआ था, 9:30 9 बजे था, आज तो 8:30 बज रहा है। अरे निकालो ना, बस वाला सब ग्रान वाला इस कुछ समय में लगाए देने चौकी के रोड पर। तो रात में निकालना चाहिए था। नहीं, रात में निकालता ना, स्कूल के समय में लगा दिया, 500 शिक्षक खड़ा है। थाना प्रभारी आदेश दिया, सोच के ना आदेश था, क्या बजे निकलवा दे। अरे स्कूल का समय है, 500 शिक्षक खड़ा है, लगा दिया है, टायर बाद में चेक करिए। नहीं निकलेगा।